बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल में। आइए आज हम आए हैं साधु इम्प्लीमेंट के, आपको दिखाते हैं डायनासोर मॉडल हैरो। ये 10-10 की हैरो है, सेंटर टायर के अंदर ये हैरो बनी हुई है, आप देख सकते हैं। इसके 20 10-10 की है, 20 की डिस्क की हैरो है ये। इसके अंदर दो हब डाली गई है, एक यहाँ पर डाली गई है, एक वहाँ डाली गई है। जो उसका बैरिंग साइज है 33215 इसका बैरिंग साइज है। ग्रीस भी नहीं इसकी यहीं ऊपर, यदि आप यहीं से ग्रीस कर सकते हो इसको। वो देखो यहाँ पे सारे ओरिजिनल बोल्ट के अंदर आती है। कट को अगर आपने एडजस्ट करना है तो आप यहाँ से कट को एडजस्ट कर सकते हो। ये दो बोल्ट दिए हुए हैं, इस बोल्ट से इस कट को आप कम ज़्यादा कर सकते हो। वही सेम पोजीशन सामने दी हुई है, यहाँ फ्रंट का कट है वो यहाँ से होता है। वैसे ये फिक्स कट पे ही चलती है, इसमें कम ज़्यादा नहीं होता। फिर भी आप करना चाहो तो इसके अंदर आप कर सकते हो। ये साइड में स्लिपर दिया हुआ है। ये क्या होता है, जो इस तवे की मिट्टी है उसको स्टॉप करके वहीं पे रख लेता है, उसी खाली में रख लेता है, स्लिपर बोलते हैं। इसे भी आप एडजस्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू अपने जैसे तवा, उसके अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। हैवी ड्यूटी ये भी मॉडल है, इसके अंदर अब 10-10 की के अंदर 13 क्विंटल वजन है। सेंट्रल टायर में आ जाती है, हुक के अंदर ये ड्राइव होती है, ये हुक के अंदर ड्राइव होती है। इसके अंदर दो हाइड्रोलिक सिस्टम आ गया, दो पॉइंट आते हैं, एक अप एक डाउन के लिए। जितने भी पिन डाले हुए हैं, जैसे ये पिन आ गया, ये पिन आ गया, टोटल ये जेसीबी पिन डाले हुए हैं। जैक जो इसका चेक वाल वाला जैक है, ये ऑटो लॉक जैक है, जहाँ पे भी आप इसको यूज़ करना चाहें इसको ऑटो लॉक जैक है। टायर की बात करें, टायर तो ये कस्टमर ने अपनी डिमांड पर थोड़े बड़े टायर छोड़े बीकेटी के डलवाए हैं, वैसे ये टायर नहीं देते हम, ये तो कस्टमर की डिमांड पर डाले गए थे। हाँ, आप डालवाना चाहो डाल के दे देंगे, इसके अलग से चार्जेज है। ये बीकेटी कंपनी के टायर है, आप देख लो। मिट्टी के लिए स्क्रैपर लगे हुए हैं, ये भी पूरे बड़े लगे हुए हैं। पीछे रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, साइड पट्टी लगी हुई है। इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हो, जैसे ये भी बोल्ट में दिया है, इसको भी वेल्डिंग में दिया। अगर जैसे कट को कम ज़्यादा करना है, इससे भी डिस्टेंस से आप कर सकते हो। यहाँ पे भी मेन पिन है जितनी, वो भी सारी जेसीबी पिन दी है, ये भी वो पीछे वाली, वो भी जेसीबी पिन दी हुई है। ये सारी हुक में चलती है, जैसे कम ज़्यादा हैरो में कोई प्रॉब्लम है, कई बार कोई हैरो की आगे कम लगती है पिछले कम, इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर ये टॉपलिक सिस्टम दिया हुआ है यहाँ पे, तो दोनों जिसके इसकी अगली और पिछली दोनों 100% एक जैसी लगेगी, इस चीज़ की गारंटी है। मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ इसका वर्क कैसे होता है। जैसे आपने इसको आप जब ड्राइव अपने ट्रांसपोर्ट करना है तो सीधे टायर ऊपर उठ गए हैं और सीधी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, कुछ करने की जरूरत नहीं। जब आप इसको खेत में चलाना है आपको, तो इसी बस हाइड्रोलिक से ही इसको आप चला सकते हो। जितनी हैरो भी आपने लगानी है, 1 इंच लगानी है, 2 इंच लगानी है, 3 इंच लगानी है, जितने टायर आप ऊपर उठाओगे ये टायर ऊपर उठ गए, जितने टायर ऊपर उठाओगे हैरो उतनी चलती रहेगी। जितनी कम लगानी है हैरों, जैसे आप इन टायरों को नीचे करोगे, जहाँ पे आप टायरों को रोकोगे हैरों में ऑटोमेटिकली वहीं पर रुक जाना है। चाहे आप एक बार चलाओ, चाहे 2 बार, चाहे 3 बार, जितने मर्जी गेड़ा लगाओ, जितनी भी आप अपने हैरों लगानी है उसी से अपने आप उतनी हैरों लग जाएगी। प्राइस की अगर बात करें, इसका प्राइस 1,55,000 इसका प्राइस है, 155,000 इसका प्राइस है। जिसके अंदर टायर ये नहीं आएंगे, टायर दूसरे आएंगे, वो थोड़े से थोड़े कम होते हैं, जो तो किसी ने कस्टमर ने अपनी डिमांड पर डलवाए हैं। अगर यही टायर डलवाना चाहते हो तो 13,500 रुपया प्लस हो जाएगा, ये टायर भी आ जाएंगे। वैसे 1,55,000 रुपये इसका रेट है, हैवी ड्यूटी है, टोटल ओरिजिनल बोल्ट के अंदर बनी हुई है। बाकी आप देख सकते हो इनका जो डिज़ाइन है, पूरा शानदार डिज़ाइन है,
सारी सीएनसी से बनी हुई है। बाकी और डिटेल के लिए इनके दिए हुए नंबरों पे आप बात कर सकते हो। ये इनके नंबर है, अगर आप कोई भी जानकारी लेना चाहो इस नंबर पे ले सकते हो। थैंक यू।